गुजरात टाइटन्स वर्सेज यहाँ से चेन्नई सुपर किंग के बीच में मैच नंबर 29 खेला जाएगा, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले अगर जो अभी रिसेंटली मुकाबला चल रहा है यहाँ से अगर बात करूँ मैं पंजाब किंग्स और सनराइजिंग हैदराबाद का, तो अगर आपने नहीं देखी लास्ट वीडियो में मैंने डाली थी, उसके साथ में मैंने आपको बेस्ट पिक बताई थी भुवनेश्वर कुमार के बारे में बताया था, 3 विकेट लेकर जा रहा है, तो जाके चेक कीजिएगा उस मैच के बारे में आपको पता चल जाएगा। तो चलिए पहले आप इस मैच के बारे में जान लेते हैं। बाईशर मल्टीविकर प्रीमियर मल्टीविकर, जो पानी से नहाया वो सिर्फ लिबास बदल सकता है लेकिन जो पसीने से नहाया वो इतिहास बदल सकता है। तो हे दोस्तों, मेरा नाम है मनोज, आप देख रहे हैं मैं सिर्फ फैंटेसी क्रिकेट यूट्यूब चैनल को। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और उसके साथ में अगर आप टेलीग्राम के अंदर नहीं जुड़े तो बहुत कुछ मिस कर रहे हो, क्योंकि जो भी फाइनल अपडेट मिलती है आपको वहीं पर मिलती है। तो आपको लिंक कहाँ पर मिलेगी, डिस्क्रिप्शन अबाउट टॉप कमेंट के अंदर मिल जाएगी, ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम को। उसके साथ में हम चेक कैसे भी सजेशन आपको देते हैं वो सब कुछ आपके लिए फ्री में रहती है। तो कोई बंदा अगर आपसे पैसे मांगता है तो उसको बिल्कुल पैसे देने की जरूरत नहीं है, उससे बेस्ट हम आपको करके देंगे हमारे चैनल के ऊपर। तो हमारे साथ में जुड़ जाइएगा, ऐसे लोगों से बिल्कुल मत जुड़िएगा जो पैसे आपसे मांगते हैं। अभी सबसे पहले बात करेंगे वेन्यू जो रहने वाला है, महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम पुणे के अंदर ये मुकाबला खेला जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले जो बात होती है ड्यू की बात होती है, ड्यू यहाँ पर बहुत कम आती है। उसके साथ में आकर जो एवरेज स्कोर देखने को मिला 160-180 आपको एवरेज स्कोर देखने को मिलेगा। और अगर आप यहां पे एक और चीज चेक करेंगे तो यहां पे आपको ठीक ठाक बल्लेबाजी फेवर विकेट देखने को मिलेगी। और एज कंपेयर जो दूसरी पिच है, जैसे लास्ट मैच की जो पिच थी अभी डे पाटिल वाली दोपहर वाली, उसी के साथ साथ ये पिच भी स्पिनर को मदद करती है, थोड़ी मददगार बन सकती है पिच। अभी रिसेंटली मुकाबले हो चुके हैं तो यूज के बाद में पिच लगभग यहां से स्पिनर को मदद कर रही है। अभी सबसे पहले हम बात करेंगे सीएसके चेन्नई सुपर किंग की, जो प्लेइंग 11 आपको देखने को मिल सकती है। मुझे चांस लग रहा है कि कोई नया प्लेयर आ जाए वो अलग बात है, अदरवाइज ये टीम सेम टू सेम जाएगी क्योंकि लास्ट मैच ही मुकाबला जीत कर आ रहे हैं। तो सबसे पहले आपको जो दिखाई देंगे यहाँ से ऋतुराज गायकवाड़ के साथ में, होपफुली इस मैच के अंदर ये बंदा वापसी करने वाला है। मेरा फेवरेट प्लेयर रहता है लेकिन ये हमेशा मुझे यहाँ से तंग कर देता है और कुछ भी नहीं करके जाता। मैं फिर से आज इसको ट्राई करने की सोच रहा हूँ, होपफुली आज ही कमाल करके दे दे। उसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ के साथ में रोबिन थप्पा रहेंगे, मोहिन अली लेफ्ट हैंड बैट्समैन राइट आर्म ब्रेक गेंदबाज रहेंगे, सामने लेफ्ट हैंड बैट्समैन रहेंगे तो इसके इस्तेमाल होगा। उसके बाद अमरती रायडू है, राइट हैंड बैट्समैन रहेंगे, शुभम दुबे है, प्रमोट हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, कभी भी इनके ऊपर भेजा जा सकता है। उसके बाद भी नीचे आपको दिखाई देंगे रविंद्र जडेजा है, लेफ्ट हैंड बैट्समैन रहेंगे, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स रहेंगे और इस्तेमाल हो सकते हैं, बढ़िया प्रदर्शन कर सकते हैं। उसके बाद है महेंद्र सिंह धोनी रहेंगे, राइट हैंड बैट्समैन, विकेट कीपिंग सेक्शन को संभालेंगे, सेक्शन को संभालेंगे। डीजे ब्राउ डेप्थ के गेंदबाज रहेंगे, राइट हैंड बैट्समैन, राइट हैंड मीडियम गेंदबाज रहेंगे। क्रिस जॉर्डन डेप्थ के गेंदबाज है, राइट हैंड बैट्समैन, राइट हैंड मीडियम गेंदबाज रहेंगे। मुकेश चौधरी लेफ्ट मीडियम गेंदबाज रहेंगे और एम थिकांसा राइट आर्म ब्रेक गेंदबाज रहेंगे। इससे पहले एक चीज आपको बता देता हूँ, मैंने एक गिवे के बारे में आपको बताया था, अगर नहीं पता है तो ऐसे ही वे आते रहते हैं एक्सेंट 22 के ऊपर, उसकी अपडेट मैं आपको टेलीग्राम के अंदर देता रहूंगा। तो उसके लिए आपको टेलीग्राम भी ज्वाइन करना जरूरी है और इंस्टाग्राम के अंदर अगर जुड़ जाएं तो और भी बढ़िया बात है, क्योंकि वहां पे मैं लिंक शेयर कर देता हूं। अब बात करते हैं सबसे पहले जो मेन बैटर रहेंगे यहाँ से, रोबिन थप्पा रहेंगे, मोइन अली रहेंगे, रविंद्र जडेजा है और शिवम दुबे और ऋतुराज गायकवाड़। गायकवाड़ पे मेरी आज नजरें रहेंगी, आज इस बंदे से मुझे उम्मीद है कि आज कमाल का प्रदर्शन कर सकता है। उसके बाद में मेन पेसर के तौर के ऊपर डीजे ब्राव, क्रिस जॉर्डन और शिवम दुबे कभी कभी गेंदबाजी करा सकते हैं, मुकेश चौधरी भी टीम के लिए बढ़िया प्रदर्शन करके दे सकते हैं। उसके बाद मेन स्पिनर के अंदर रविंद्र जडेजा, एम थिकांसा और मोइन अली, एक लगभग इनको इस्तेमाल तब किया जाता है जब ज़रूरत होती है टीम को, तो कभी कभी इनका इस्तेमाल किया जाता है जब सामने लेफ्ट हैंड बैट्समैन हो तभी इस्तेमाल किया जाता है। एक्सपेक्टेड अगर डेप्थ की गेंदबाजी के बारे में बात करूँ तो आपको डीजे ब्राव के साथ में क्रिस जॉर्डन ही डेप्थ की गेंदबाजी कराते दिखाई देंगे। और ओपनिंग गेंदबाजी की अगर बात करूँगा तो क्रिस जॉर्डन के साथ में थिकांसा और यहाँ से महेश चौधरी मुकेश चौधरी गेंदबाजी करा सकते हैं। अब बात करते हैं गुजरात टाइटंस की, तो सबसे पहले आपको दिखाई देंगे इस टीम के अंदर भी कोई चेंजमेंट की मुझे ज़्यादा उम्मीद नहीं लग रही। एक चेंजमेंट हो सकता है, बड़ा चेंजमेंट है ये मुझे लग रहा है कि आज हो सकता है, मैथ्यू वेड की जगह टीम रमतुल्ला गुरबाज को लेकर आ सकती है। राइट हैंड बैट्समैन रहेंगे तो उस कंडीशन में मोइन अली की वैल्यू थोड़ी सी घट जाएगी, अगर मैथ्यू वेड रहते हैं तो मोइन अली की वैल्यू बढ़ सकती है, फिर वहाँ पर उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। अभी के लिए शुभम गिल के साथ में मैथ्यू वेड ही मुझे लग रहे हैं लेफ्ट हैंड बैट्समैन रहेंगे और विकेट कीपिंग सेक्शन में भी संभालेंगे। उसके बाद में विजय शंकर रहेंगे राइट हैंड बैट्समैन राइट आर्म मीडियम रहेंगे, अगर चाहेगी टीम तो साई सुदर्शन का इस्तेमाल कर सकती है। लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, राइट आर्म लेग ब्रेक गेंदबाज और बढ़िया प्लेयर है, जबरदस्त प्लेयर है, अगर आता है तो बढ़िया ऑप्शन आपके लिए रहेगा। उसके बाद हार्दिक पांड्या है, राइट हैंड बैट्समैन राइट आर्म मीडियम गेंदबाज रहेंगे, डेविड मिलर है लेफ्ट हैंड बैट्समैन रहेंगे, राहुल तिवातिया यहाँ से लेफ्ट हैंड बैट्समैन लेग स्पिन गेंदबाज रहेंगे, अभिनव मनोहर रहेंगे यहाँ से मनोहर राइट हैंड बैट्समैन रहेंगे, यहाँ से रशीद खान मेन बल्लेबाजी कर सकते हैं लेकिन
लेकिन लेग स्पिन गेंदबाजी ज़्यादा उनकी मेन रहेगी। मोहम्मद शमी राइट हैंड बैट्समैन, राइट हैंड फास्ट गेंदबाज रहेंगे। उसके बाद नीचे आपको लोकी फर्ग्यूसन दिखाई देंगे, लेफ्ट आर्म फास्ट गेंदबाज रहेंगे। यस ढुल रहेंगे आपके लिए, लेफ्ट आर्म मीडियम गेंदबाज रहेंगे। अगर इस टीम की तरफ से भी मेन प्लेयरों के बारे में बात करूँ तो मेन बैट्समैन जो आपके लिए रहेंगे डेविड मिलर फिनिशिंग का रोल करते हैं। शुभम गिल रहेंगे, हार्दिक पांड्या है, मैथ्यू वेड है, रमतुल्ला गुरबाज है अगर टीम के अंदर आते हैं, अदरवाइज मैथ्यू वेड भी इंपॉर्टेंट प्लेयर बन जाते हैं। उसके बाद मेन पेसर के तौर पर लोकी फर्ग्यूसन है, मोहम्मद शमी है, हार्दिक पांड्या है, यस डेल यूज़ किया जाता है कई बार मेन पेसर के तौर पर ही होता है टीम के अंदर। उसके बाद में मेन पेसर जो रहेंगे मेन स्पिनर जो रहेंगे रशीद खान रहेंगे, और यहाँ राहुल तिवारिया को जरूरत पड़ने के ऊपर इस्तेमाल किया जाता है। एक्सपेक्टेड जो डेप्थ के गेंदबाज रहेंगे ऐसे मोहम्मद शमी, लोकी फर्ग्यूसन, हार्दिक पांड्या में भी यूज किया जा सकता है इनको भी, लेकिन लगभग आपको मोहम्मद शमी और लोकी फर्ग्यूसन ही दिखाई देंगे। चलिए अब दोनों टीमों की यहाँ से बात करूँ प्लेइंग 11 जानने के बाद में, उसके साथ में हमने पिच रिपोर्ट भी जानी, उसके बाद में अब जानते हैं एक चीज़ रहेगी। सबसे पहले आपको अगर एक्सन 22 एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया तो लिंक आपको टॉप कमेंट के अंदर मिल जाएगी, ज्वाइन कर लीजिएगा। उसके साथ साथ में अगर टेलीग्राम के अंदर नहीं जुड़े तो वहाँ पर जरूर आ जाइएगा, आपका वेलकम है, क्योंकि आने वाली अपडेट आपको वहीं पर मिलने वाली है। सबसे पहले हम बात करेंगे जो बाई की पिक मेरी रहेगी, ऐसे मोहम्मद शमी के साथ में क्रिस जोन रहेंगे। दोनों मुझे डेप्थ के अच्छे खासे प्लेयर लग रहे हैं और कमाल का प्रदर्शन कर सकते हैं, इसलिए मैं दोनों को फेवर कर रहा हूँ। हो सकता है आप यहाँ से लोकी फर्ग्यूसन के ऊपर अगर ट्राई करना चाहे तो कर सकते हो, मैं यहाँ से मोहम्मद शमी इंडियन प्लेयर के साथ में आज हूँ। अब बात करते हैं यहाँ से मल्टीपैकर पिक के अंदर, तो यहाँ पे मल्टीपैकर पिक के अंदर सबसे पहले मैंने ऐसे शुभम गिल को ट्राई किया हुआ है शेफ पोजिशन के अंदर। मोइन अली मुझे आज लग रहा है ये कमाल का प्रदर्शन कर सकते हैं, मोइन अली गेंदबाजी से थोड़ा कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। उसके बाद रोबिन लुथप्पा या रविंद्र जडेजा में कोई एक प्लेयर उठाने वाला हूँ, अगर पहले गेंदबाजी करा रही है CSK की टीम तो मैं रविंद्र जडेजा को ट्राई करने वाला हूँ। उसके बाद में ऐसे डिफरेंशियल पिक के अंदर मैंने ऋतुराज गायकवाड़ को फिर से ट्राई किया हुआ, हो सकता है यहाँ से रोबिन लुथप्पा भी आ जाए, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ आज मेरी फिर से डिफरेंशियल पिक का काम करने वाले हैं। अब बात करते हैं लास्ट सेक्शन के बारे में। बात करने से पहले एक चीज़ बता देता हूँ, टेलीग्राम अगर ज्वाइन नहीं किया तो कहाँ पे लिंक मिलेगी, डिस्क्रिप्शन अबाउट डॉक्यूमेंट के अंदर मिलेगी, और बार बार बोल रहा हूँ तो कोई चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं प्रीमियम मल्टीप्लेयर के अंदर, तो शुभम गिल, मोइन अली मेरे पास में दो ऑप्शन है, इनमें से किसी भी प्लेयर को जो मुझे यहाँ पे टॉस के अकॉर्डिंग और यहाँ से पिच रिपोर्ट डिसाइड करेगी किस प्लेयर को मुझे उठाना है। अगर बल्लेबाज फेवर रहते तो शुभम गिल, अगर थोड़ा स्पिन अटैक को मदद कर रही है तो मोइन अली, उसके साथ में मेरे फिर मोइन अली ही मेरे मेन पिक बन जाएंगे। तो आज की मेरी जो पिक रहेगी, आज की जो सजेशन रहेगी इस मैच की, इस प्रकार से आपको देखने को मिल गई इस वीडियो के अंदर। ऐसे ही आपके लिए बेस्ट से बेस्ट करता रहूंगा, बेस्ट सजेशन आपको देता रहूंगा, तब उसके लिए आपको कंटिन्यूअसली मेरे साथ में जुड़े रहना होगा। तो टेलीग्राम चैनल के साथ साथ में आपको यूट्यूब चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना अगर वीडियो पसंद आ रही है, तो ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।